हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मोना फूड एंड ट्रेवल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पिज्ज़ा डो की रेसिपी और इस वीडियो में आप लोग बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे कि हम लोग कैसे पिज्ज़ा डो घर में इजीली रेडी कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट वाला। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हाफ कप यानी कि 100 ml मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर ले लिया है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ 37-38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर जिसे आप छू सकें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 TSP यूज़ किया है हनी। इसकी जगह आप शुगर यूज़ कर सकते हैं बट हनी है तो हनी का यूज़ करें। और साथ ही में मैंने यहाँ सॉल्ट डाला है 1/4 TSP। तो इन सभी चीज़ों को पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉल्ट जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाए हमारे पानी में। तो अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैं ऐड कर रही हूँ ईस्ट। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी ईस्ट यूज़ करें वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ही ईस्ट यूज़ करें। अगर हम लोकल मार्केट से ईस्ट लेते हैं जो वो लोग पैकेट में देते हैं वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ईस्ट डालने के कुछ सेकेंड में ही ईस्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए अपनी ईस्ट को रेस्ट पर छोड़ दूंगी ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ये प्रोसेस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ईस्ट को एक्टिवेट कराना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आपका डो जो है वो सॉफ्ट बनेगा। सो 10 मिनट बाद यहाँ पे मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर मिंस मैदा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा का यूज़ किया है और यानी कि 220 ग्राम। और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी हमारा एक्टिवेटेड ईस्ट। तो इस ईस्ट को हम धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से हम इसे कंबाइन कर देंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। सेम प्रोसेस यूज़ करिए, हैंड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में, आप किसी भी स्पैचुला से या किसी भी चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे और वाटर की रिक्वायरमेंट लगती है तो मैं यहाँ पे फिर से वाटर यूज़ करूँगी। अब आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेम वाटर बचा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब 1/2 कप पहले यूज़ किया था और 1/2 कप से आधा मैंने और यूज़ किया, दैट मीन्स कि टोटल मैंने यहाँ पे 3/4 कप यूज़ किया है वाटर और 150 ml में आप उसे नाप सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको इतनी ज़रूरत ना पड़े, तो आप जो आगे वाटर यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नीड ही यूज़ करें, ज़्यादा वाटर ना यूज़ करें। तो अब आप देखेंगे कि आगे मैं बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करूँगी, आप भी बिल्कुल एक्स्ट्रा वाटर ऐड ना करें। जब आपको लगेगा कि आपका एक आटा जो है वो एकदम कंबाइन होना स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद आप बिल्कुल वाटर ऐड ना करें, वरना आपका आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्पैचुला से जो भी आटा उसमें स्टिक था उसको निकाल लिया है मैंने, और अब मैं इसे नीड करूँगी मगर अपने हाथों से। और आप देखेंगे कि इसमें मेरे हाथ में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपकेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप इसी तरीके से नीड उसे करते रहेंगे और इसे इकट्ठा करते रहें और नीड करते रहें जब तक कि आपको ये ना लगे कि एकदम स्मूथ हमारा जो है डो बन के रेडी हो गया है, तो आप देखेंगे लास्ट में ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और जैसे ही ये कंबाइन होता रहेगा, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके हाथ से आटा खुद ही छूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आटा जो है आपको जाके छुड़ाना नहीं पड़ रहा है या आटा सूखा आटा यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका आटा एकदम सही बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ डो बन के रेडी हो गया है। इतने अच्छे से इसे नीट करें। नीट करने का ये है कि जो हमारा ईस्ट है हमने डाला है अगर वो कहीं एक जगह है तो अच्छे से सारे डो में मिक्सअप हो जाए। तो अब मैं इसे एक ग्लास बॉल में हल्का सा तेल रख दूंगी, ये ऑप्शनल है, बिना तेल के भी रख सकते हैं, बट तेल का ये रहता है कि अगर आप तेल डाल के रखते हैं साथ में तो थोड़ा सा आटा चिपकता नहीं है जब आप इसे फर्मेंटेशन के बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने डो को रख दिया है और साथ में मैं हल्का सा ऑयल जो है ऊपर से भी स्प्रेड कर दूंगी। तो अब मैं इसे स्प्रेड करने के बाद इसे फर्मेंटेशन के लिए रख दूंगी किसी भी वार्म टेम्परेचर पे। तो आप भी अगर आपके घर में एसी चल रहा है तो आप इसे गैलरी में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए कहीं पे भी, तो बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस होके रेडी हो जाता है। या किसी भी वार्म प्लेस के पास इसे रख दीजिए क्योंकि हमें जो है यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे स्लिंग जो शीट आती है फिल्म आती है उससे मैंने इसे कवर कर दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल क्लोथ के साथ भी इसे कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन एकदम स्टार्ट हो गया है और आटा जो है वो इससे डबल अमाउंट, यानी कि जब आपका जो डो है वो डबल अमाउंट में हो जाएगा
दैट मीन्स आपका डो एकदम रेडी। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे पोर्स बने हैं, तो ये आपका एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है गाइस। अगर आप मेरे इस तरीके से डो बनाएंगे पिज्ज़ा के लिए, तो आपका पिज्ज़ा डो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत ज़्यादा बार किया है, तब जाके मेरा ये डो रेडी हुआ है, और तब मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो होपफुली कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इसके बाद भी आपका डो जो है वो सही नहीं बनता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्या आपने किया है और क्यों नहीं बन रहा है। आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते रहें और कमेंट करते रहें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के साथ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।